हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर नगर परिषद में विभिन्न समितियों का गठन। जालौर नगर परिषद की विभिन्न समितियों का राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की ओर से गठन कर दिया गया है। इन समितियों के गठन को लेकर पिछले काफी दिनों से नगर परिषद में एक चर्चा का माहौल बना हुआ था, लेकिन नियत दिन पूरे होने के कारण स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद जालौर की विभिन्न समितियों का गठन किया, जिसमें वित्त समिति का अध्यक्ष मिश्रीमल गहलोत को बनाया गया। वहीं भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति का अध्यक्ष बसंत कुमार सुतार को बनाया गया। इधर कार्यपाल समिति का अध्यक्ष सभापति गोविंद टांग को बनाया गया। वहीं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का अध्यक्ष उप सभापति अम्बाला व्यास को बनाया गया है। समितियों के गठन के बाद नगर परिषद जालौर में जैसे ही इसकी सूची मिली, पार्षद दौड़े दौड़े नगर परिषद पहुंचे। इन समितियों में वार्ड पार्षद एवं मनोनीत पार्षदों के नाम सम्मिलित है। अलग अलग समितियों में अलग अलग पार्षदों को अध्यक्ष व सदस्यों का दायित्व सौंपा गया है। हालांकि इन समितियों के गठन के बाद कई व्हाट्सएप ग्रुप पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इधर गंदी बस्ती सुधार समिति के अध्यक्ष के रूप में लक्ष्मण सांकला, महिला एवं बाल विकास अधिकारी का अध्यक्ष सावला राम माली, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी समिति का अध्यक्ष श्रीमती सुखी देवी, नियम उपविधि समिति का अध्यक्ष कालूराम मेघवाल, अपराधों का शमन एवं समझौता समिति का अध्यक्ष अब्दुल रजाक को बनाया गया। नगर सौंदर्यकरण समिति का अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी एवं पर्यावरण समिति का अध्यक्ष श्रीमती ममता जी नगर को बनाया गया। जालौर नगर परिषद के आयुक्त महिपाल सिंह ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने समितियों के गठन का आदेश जारी किया है। ये शक्तियां राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 55 की उप धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बनाई गई है। राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका नगर परिषद जालौर की कमेटी का गठन कल दिनांक 29/7/2023 को कर दिया था, जिसमें मुझे आज वहाँ से जरिए व्हाट्सएप और मेल से सूचना प्राप्त हो गई नगर पालिका को, और नगर पालिका द्वारा समस्त सभी वार्ड सदस्यों को जो सदस्य है अध्यक्ष है उनको सूचना नगर पालिका द्वारा भिजवा दी। ये कोई विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए कमेटियाँ बनाई गई वहाँ से? नहीं, राज्य सरकार को 3 महीने तक बोर्ड को पावर होते हैं कमेटी गठन का, 3 महीने बाद में राज्य सरकार ही गठन करने का नियम है। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।